घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में 3 दिवसीय सब्जी मेला कार्यक्रम का आज समापन हो गया, जिसमें भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर राम मलका ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि करनाल स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र इंडो इजराइल के सहयोग से देश सबसे पहला केंद्र बना है। इस एक दशक में इस संस्थान में लाखों किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में सैटेलाइट ड्रोन की सहायता से खेती की जाए। इसके अतिरिक्त इंडो इजराइल के सहयोग से करीब 27 केंद्र फल और सब्जियों के चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2018 में करीब 10 लाख किसानों को कृषि का प्रशिक्षण दिया गया, जो कि एक गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इंडो इजराइल कृषि परियोजना पूरी दुनिया में कृषि क्रांति लेकर आ रही है। यह परियोजना इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि भारत को वैश्विक की ओर बढ़ाने का इशारा कर रही है। दोनों देशों के आपसी सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2022 तक का किसानों की आय दुगनी करने का सपना साकार होगा। इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा सदा से ही हरा भरा प्रदेश रहा है। देश का क्षेत्रफल छोटा होने के बावजूद भी देश के अन्न फल सब्जी के पोल में हरियाणा का विशेष स्थान है। मंत्री ने कहा कि किसानों को जोखिम भरी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से 600 करोड़ रुपए प्रीमियम लेकर करीब 2200 करोड़ रुपए का मुआवजा हरियाणा सरकार ने दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन सही रखेंगे तो हरियाणा सरकार उसका ब्याज देने के लिए तैयार है। इस मौके पर बागवानी परियोजना के निदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने भी सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि वर्ष 2009 में घरौंडा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत हुई थी। उस दिन से अब तक यह केंद्र हर तरह से प्रगति की ओर अग्रसर है। यहाँ पर निरंतर सब्जी उत्पादन की नई नई तकनीक को अपनाया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न किस्म की सब्जियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। देखिए घरौंडा से समाचार एक्सप्रेस के लिए संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। नए केंद्र बनाने के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में उत्कृष्ट कृषि संभावना की तलाश करना है। This means methods of water management in order to showcase the holistic approach of water and agriculture management. और यह सभी तभी संभव है जब हम आसपास के गांवों को इन सेंटर्स के साथ जोड़ें और दूर दराज के इलाकों में इन सेंटर्स की पहुंच को बढ़ाएं। सिर्फ कृषि और जल प्रबंधन और अन्य अप्रोचेस को साथ लेके ही विकास की संभावना परस्पर नजर आती है। यह संयुक्त कोशिश भारत सरकार, हरियाणा सरकार व इजराइल प्रदेश के आपसी सहयोग से संबंधित हो पाई है। आपसी ज्ञान सहयोग अक्षमताओं का दोहन करते हुए इस प्रोजेक्ट की स्थापना करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है, ताकि भारत के किसानों को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड मिस्टर दीपक कुमार डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा श्री जेपी दलाल, श्री संजीव कौशल आईएएस एसीएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सीजीएम नबार्ड श्री राजीव महाजन जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी महानिदेशक उद्यान, डॉक्टर दीपक दत्तरवाल व केंद्र पे विभिन्न कर्मचारी अधिकारियों, डियर फार्मर्स, प्यारे किसान, I'm proud to be here with you today, Karnal, Haryana. मुझे करनाल हरियाणा में आकर बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। यदि कम समय में इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है। इस सेंटर की स्थापना के बाद पूरे भारतवर्ष में अन्य 27 केंद्रों की भी स्थापना की गई है। भारत इजराइल कृषि परियोजना लगभग लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है। वर्ष 2018 में भी अकेले 147,000 किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और यही सब कुछ है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। अगले दशक में हम आशा करते हैं कि लगभग हजारों लाखों किसानों को और ट्रेनिंग दे सकें और अन्य समुदायों में भी अपनी पहुंच बना सकें। बल्कि हमारा सहयोग इन सेंटर के बनने के बाद इन सेंटरों का प्रभाव अन्य किसानों पर भी, अन्य केंद्रों पर भी पड़ सके। The next step for the IIAP is growing from centers of excellence to areas
ऑफ एक्सेलेंस। तरह से कम ब्याज का हम लेके आए हैं, तो हर हालत में तरह तरह की स्कीम अपनाकर हरियाणा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पूरी तरह से समर्पित है। और हमारा लक्ष्य ये है कि सारे देश में सबसे पहले हरियाणा के किसान समृद्ध हो। हरियाणा का किसान जो है इजराइल की तरह टेक्नोलॉजी अपनाए, हरियाणा का किसान जो है सुख से जैसे अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के किसान रहते हैं उस तरह से समृद्ध हो जाए, तो इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान है। आपके लिए खुशी की बात एक और है, जो हमारे कुंभ का उत्पादन करने वाले थे या पैक हाउस पॉली हाउस में बिजली का उपयोग करने के लिए बिजली का बिल ज़्यादा आता था, 8-8.5 रुपये बिजली का रेट आता था, हरियाणा सरकार ने आपके लिए फैसला किया है कि इन पैक हाउस पॉली हाउस कुंभी वगैरह के लिए 8.5 रुपये की बजाय 2.5 रुपये यूनिट का किसान से चार्ज किया जाएगा। बाकी की सब्सिडी जो है बिल भरने के बाद हमारा विभाग आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको देगा। भूमि हरा भरा प्रदेश रहा है और सौभाग्य से आज भी थोड़ा सा क्षेत्रफल होते हुए भी हमारा योगदान केंद्रीय पूल में फलों में सब्जियों में अनाज में धान में गन्ना में किसी भी क्षेत्र में हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, अच्छे खाद अच्छे बीज और साथ ही आपके पास ये अच्छी मार्केट बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है देशवासियों के सामने कि किसान की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है, हरियाणा सरकार उसमें देश के अंदर आप लोगों के बलबूते पर किसान की मेहनत के बलबूते पर सबसे पहले इस लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। हमारे जो मेहमान हैं एम्बेसडर ऑफ इजराइल वो बोलेंगे 5 मिनट। हरियाणा कहीं भी अपने प्रदेश का नाम नीचे नहीं होने देता, सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम उनके मेरे बाद में हो रहेगा। तो आपसे प्रार्थना यही है कि आप शांति से बैठ कर उनके विचार भी सुने और हरियाणा को नए प्रगति के पथ पर ले जाने वाले नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दुनिया का पेट भरने वाले मेरे प्यारे बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं और प्यारे भाइयों, इसमें उपस्थित मेरे सारे किसान भाई मेहमान सबका मैं हरियाणा की तरफ से हरियाणा की धरती पर स्वागत करता हूँ। हरियाणा ऑफ एक्सेलेंस इन करनाल इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आवर जॉइंट प्रोजेक्ट व्हिच इज सेलिब्रेटिंग नाउ 9 इयर्स इन दिस मंथ। यह केंद्र भारत इजराइल कृषि परियोजना के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में बनने वाला पहला केंद्र है और यह सेंटर लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन लेस देन अ डेकेड दिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैज हेल्प्ड ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स जॉइंड बाय 27 एडिशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस अक्रॉस इंडिया, द IIAP, द इजराइल इंडो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हैज बीन एबल टू ट्रेन आज ये सब्जी केंद्र का एक्सपो था जी। इजराइल के एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी हमारे बीच में थे और ये जो नई टेक्नोलॉजी इजराइल ने हमें दी है, हमारा सिंचाई की बूंद बूंद पानी की सिंचाई करने की और नए नए नेट हाउस की पॉली हाउस की, इससे हरियाणा के किसान को बागवानी में सब्जियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और हमारा जो लक्ष्य है कि हरियाणा के किसान की देश के किसान की आमदनी को बढ़ाना है, हरियाणा का कृषि विभाग हरियाणा सरकार पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है और जो ये एक्सीलेंस सेंटर है हरियाणा में 6 चालू हो चुके हैं और भी हम चालू करेंगे और किसानों को तरह तरह की छूट दी जा रही है।
पिछले हफ्ते ही हमने पैक हाउस का उद्घाटन किया है, आगे आने वाले वक्त में भी है, जितनी भी सुविधाएं हो सकती है वो किसान को हम देंगे और किसान की फसल का सही मूल्य मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जो है किसान को फसलों का विविधीकरण करना, डेयरी का उत्पादन बढ़ाना, मछली पालन की तरफ ध्यान देना, बागवानी की तरफ ध्यान देना और हम जल्दी ही यहाँ पर जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी कन्नौर में बनाएंगे और मसाला मंडी आगे सोनीपत में बनाएंगे, फूलों की मंडी गुड़गांव में बनाएंगे, जिससे कि किसान को अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल सके। किसानों का रुझान नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? किसानों का रुझान खूब है, आज हजारों हजारों किसान यहाँ है और बागवानी का क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है। और खुशी की बात यह है कि अकेले पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैं गया था, जो किन्नू की खेती है डबवाली साइड में, 3 लाख रुपए से प्रति एकड़ की ज़्यादा की उपज है किसान को। बागवानी की किसी अमरूद की खेती करते हैं 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पर एकड़ प्रति एकड़ की आमदनी है। तो जो सब्जियों में और फलों में जो किसान जाएगा उसकी आमदनी बढ़ना निश्चित है। सर मंत्री जी, जो हरियाणा में गेहूँ की फसलों पर जो पीड़ापन की जो बीमारी आ रही है उसकी तरफ हमारा विभाग का पूरा ध्यान है और सब विभाग को अलर्ट कर दिया है, किसी भी तरह की महामारी नहीं फैलने की है। सर आज कितने किसानों को पुरस्कार वितरित किए गए हैं? हर श्रेणी में, गाजर में, गोभी में, फल में, फुलवारी में 200 के लगभग किसानों को। जो टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी इन्वेंशन को बिल्कुल खेत तक किसान तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है उसी से इसका फायदा होगा। और हरियाणा के अंदर ड्रिप इरिगेशन में बहुत सारे ब्लॉक में 85% तक सब्सिडी है और किसान जो क्योंकि जोत छोटी है मिलकर खेती करने के लिए, सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। FPO बनाकर और पैक हाउस, पॉली हाउस या प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसानों के लिए 70% से लेकर 90% तक की सब्सिडी दे रहे हैं और हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। अगर आपकी बार जो गेहूँ की फसल जो कम निकलती है जी बीमारी की वजह से, तो किसानों के लिए कुछ मुआवजा कुछ या कुछ दिया जाएगा? मुआवजा कभी नुकसान होता है तो आजकल फसल बीमा योजना है उसका, उससे उसके माध्यम से इसको मिलता है। लेकिन हमें यह है कि फसलों का विविधीकरण करना पड़ेगा, एक ही फसल की बजाय बदल बदल के फसल बोएं और बागवानी की और सब्जियों की तरफ ध्यान दें, तभी किसान को ज़्यादा लाभ होगा। ठीक सर, किसान JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।